योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ने बीजेपी को एक बार फिर से यूपी की कमान संभालने का जनादेश दे दिया है। लेकिन शील रतन को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि यूपी में अखिलेश यादव नहीं योगी आदित्यनाथ सरकार बना रहे हैं, तो बेचारे का दिल टूट गया। दिल टूटा ही नहीं, ऐसा टूटा कि बेचारे ने आओ देखा ना ताओ और आग लगा दी अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट में। शील रतन का कहना है कि पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी नहीं निकाली। उन्हें उम्मीद थी कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हताश होकर शील रतन ने अपने सर्टिफिकेट ही जला दिए। आज आपने अपनी शिक्षा के कागज जलाए, किस लिए जलाए? पिछले 5 सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे थे, जो योगी बाबा की सरकार में नहीं निकली। आने वाले 5 साल में उम्मीद थी कि अखिलेश की सरकार आएगी, लेकिन नहीं हुआ। उम्मीद जो थी वो डूब चुकी। अब योगी बाबा ने पिछले 5 सालों में नहीं निकाली और आने वाले 5 सालों में भी नहीं निकाली। उसके बाद हमारी एज ओवर हो जाएगी, मैं कोई भी जॉब नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने आज उनका अंतिम संस्कार किया। तो आपने किस किस कक्षा के जो कागज़ है उसमें आग लगाई? हमने हाई स्कूल मार्कशीट सनद और इंटर की मार्कशीट चलाई। हालांकि ऐसा नहीं है कि शील रतन बेरोजगार हैं। बताया जा रहा है कि करहल ब्लॉक में शील रतन का एक कंप्यूटर सेंटर है और वे वहां पर स्टेशनरी का भी काम करते हैं। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।